इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के हक की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट पे बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि दुनिया के साथ क्या-क्या गलत हो चुका है और अगर उसे नहीं सुधारा गया तो क्या-क्या गलत हो सकता है। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ अमेरिका की उदाहरण पे ही कंसंट्रेट करूँगा और वो इसलिए करूंगा क्योंकि मैं चाहता था कि ऑक्यूपाई मूवमेंट जो अमेरिका में हुई थी उससे कोई ऐसा लीडर निकल के आता जो अमेरिका के आम लोगों की फ्यूचर बदल देता। वो नहीं हुआ तो मुझे प्रेसिडेंट ओबामा को सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि मिट रोमनी और प्रेसिडेंट ओबामा में दोनों में प्रेसिडेंट ओबामा हजार दर्जे अच्छा आदमी है। खैर, आज हिंदुस्तान में जो FDI का डिसीजन हुआ है, कुछ चंद विदेशी बिजनेसमैन जो हिंदुस्तानी बिजनेसमैनों के पेट पे लात मारना चाहते हैं, मैं उन घटिया बिजनेसमैन के चुंगल से उनके अपने देश को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने प्रेसिडेंट ओबामा को तीन अलग अलग मुद्दों पे चिट्ठियां लिखी थी। उनमें से तीसरी चिट्ठी जो मैंने लिखी थी उसमें मैंने प्रेसिडेंट ओबामा को एक मैंने प्लान बताया था कि अगर आप ये काम कर दें तो जो आम इंसान है उसकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कई गुना बढ़ जाएगी और वो बढ़ इसलिए जाएगी क्योंकि उस अकेले एक काम की वजह से वो आम इंसान, आपके और मेरे जैसा इंसान, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से कंपीट करने के लायक हो जाएगा। कैसे? अभी FDI की वजह से जो हिंदुस्तान में रिटेल चेन्स आ रही हैं वो रिटेल चेन्स एक कंपनी के 50-50 स्टोर हैं, तो वो 50 स्टोर के लिए सामान खरीदता है तो उसे सस्ते दामों पे मिलता है, सस्ते दामों पे सामान खरीदेगा तो सस्ते दामों पे बेचेगा और जो छोटा दुकानदार है जिसकी एक दुकान है या दो दुकानें हैं वो उसका धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देती है जो दुकानदारों को कनेक्ट करे चीजें निर्यात करने वालों से, तो उससे क्या होगा? मान लीजिए एक शहर में 100 दुकानदार हैं जो एक ही तरह का सामान बेचते हैं, वो सभी एक सी ही चीजों का ऑर्डर उस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन वो सारा ऑर्डर इकट्ठा करके आगे एक पूल पूल ऑर्डर की तरह से आगे जो सामान बनाने वाले हैं उनसे सामान खरीदती है तो उस कंपनी को वह सामान सस्ते दामों में मिलेगा। सस्ते दामों में सामान उन्हें मिलेगा तो वो अपना थोड़ा सा कमीशन लेकर वो सामान अगर दुकानदारों को आगे बेचेगी तो वो जो छोटे दुकानदार जो 100 दुकानदार थे ना, उन 100 दुकानदारों के लिए वो सामान वो 50 दुकानों के मालिक जो कंपनी है उससे भी सस्ता पड़ जाएगा और वो उससे सस्ते दाम पे वो सामान बेच सकेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो बड़ी दुकान बड़ी जो बड़ी सुपरमार्केट का जो जो, जो ओनर है वो छोटे दुकानदारों को मार्केट से निकाल नहीं पाएगा और उससे आप में आप और मेरे जैसे लोगों की अपॉर्चुनिटी बचेगी। कल को नौकरी नहीं मिली, थोड़ा पैसा है तो नुक्कड़ की दुकान तो खोल सकते हो, थोड़ा ज्यादा पैसा है तो करियाने की दुकान तो खोल सकते हो। अरे FDI की वजह से जब रिटेल चेन्स खुल जाएंगी ये सभी धंधे चौपट हो जाएंगे। ये जो आइडिया है ये उन रिटेल बिजनेसेस की वाट लगाने का आइडिया है। ये आइडिया मैंने प्रेसिडेंट ओबामा को दिया था लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ओबामा उस आइडिया पर कुछ भी कर पाएंगे और उसका कारण है, उसके दो कारण है। एक कारण उनकी अपोजिंग पार्टी रिपब्लिकन है और दूसरा कारण उनकी अपनी पार्टी डेमोक्रेट्स है। प्रेसिडेंट ओबामा की जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट के लोअर हाउस है, वो रिपब्लिकन डोमिनेटेड है। वो प्रेसिडेंट ओबामा को उन्होंने पिछले 4 साल काम नहीं करने दिए तो अब आगे 4 साल क्या खा काम करने देगी? उनका तो चलो पता ही है, वो तो वैसे भी बड़े बिजनेसमैनों की पार्टी है। बड़े बिजनेसमैन भी क्या, वो ऑयल लॉबी की पार्टी है, गन्स लॉबी की पार्टी है, वो लोगों को मरवाकर पैसा बनाने वालों की पार्टी है। रिपब्लिकन्स पर मैं कभी भरोसा ना ही किया है ना ही करूंगा। रिपब्लिकन्स की बात छोड़िए, मुझे अफसोस है कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक रिपब्लिकन गवर्नर बना था। डेमोक्रेट गवर्नर बनते तो अच्छी बात थी।
मेरे वन ऑफ माय थ्री आइडल्स, अफसोस की बात है, छोड़िए वो भी बात, डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स को भी तो पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कौन देता है? वो बड़े बिजनेसमैन ही देते हैं। वो डेमोक्रेट्स, अगर प्रेसिडेंट ओबामा ऐसा कुछ करना भी चाहेंगे तो सीनेट जो है, अमेरिकन सीनेट जो अपर हाउस है, जो डेमोक्रेट डोमिनेटेड है, वो कौन सा प्रेसिडेंट ओबामा का साथ देने वाला है? अरे अरे, एक छोटा सा मुद्दा, जिस मुद्दे की वजह से प्रेसिडेंट ओबामा को बहुत सारे वोट पड़े हैं, जो इनकम इनकम टैक्स का मुद्दा है, वो इनकम टैक्स पे मुद्दे पर ही उनके पैर नहीं लगने दे रहे यार। वो प्रेसिडेंट ओबामा के जो चमचे हैं, टटपूंजिए, वो ऑनलाइन पे, ऑनलाइन वो प्रोग्राम शुरू करके बैठे हैं कि यार रिपब्लिकन्स को बताओ कि हमारा टैक्स ना बढ़ाओ। अरे ऐसी की तैसी यार, टैक्स टैक्स क्यों होता है? टैक्स के दो कारण हैं। एक तो सरकार को जितने भी काम करने होते हैं देश में, तरक्की का काम है, चाहे मुलाजिमों को तनख्वाह देने का काम है, कोई भी दफ्तर चलाना है, सड़कें बनानी है, इमारतें खड़ी करनी है, उस सब के लिए, डिफेंस के लिए तोपे बंदूकें खरीदनी है, उस सब के लिए जो भी पैसा चाहिए, वो सरकार के पास दो तरीके हैं उसको कमाने के। एक तरीका है टैक्सेस का, और दूसरा तरीका है सरकारी जो दफ्तर होते हैं, जैसे बिजली बोर्ड हो गया, टेलीफोन नगर निगम हो गया, टेलीफोन एक्सचेंज होगी। तो ये सारी जो कंपनियां हैं जो कंज्यूमर्स को कोई चीज़ देती है और उसके बदले में उनसे पैसा लेती है, ये सारी सरकार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं। अरे देश, जितने भी विदेशी मुल्क हैं, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अरे इनकी सरकारों ने खुद ही इन देशों का बैंड बजा दिया है यार। जो कंपनियां सरकारों को पैसा बना के देने के लिए थी, उन्हें तो उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। पैसा बनाने की जगह वो तो पैसा दे रहे हैं कि यार हमारी ये कंपनियां चला दो, हमसे पैसा ले लो। वो फायदा थोड़ी किया है। वो जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो मुनाफा कमा रहे हैं, जो काम करते हैं उन कंपनियों में, उनकी तनख्वाहें कम 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 होती होती इतनी इतनी सी रह गई हैं, उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, और सरकार को मिलते हैं खाने के लिए चने। वो उतना फायदा नहीं हुआ सरकार को जितना पूरे देश को इनकी प्राइवेटाइजेशन ने नुकसान कर दिया। मैंने कितने ही आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे लिखी हैं प्राइवेटाइजेशन के इसी बुरे नतीजे के बारे में, लेकिन सुनता कौन है? खैर वो छोड़िए, अभी मैं अमेरिका की बात कर रहा था, तो मैं ये आर्टिकल जो लिख रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन के, उससे अकेले हिंदुस्तान को फायदा थोड़ी होगा, उससे अकेले किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को फायदा थोड़ी होगा। अरे जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं यार, उनको भी तो फायदा होगा। अगर उनके लोगों को भी मेरी बात समझ में आए तो वो भी अपने देशों में सुधार ला सकते हैं उन्हें पढ़ के। तो वो अकेले हिंदुस्तानियों के लिए थोड़ी है, वो पूरी दुनिया के लिए है। और बात कर रहा था मैं टैक्सेस की। अभी टैक्सेस के दो दो कारण हैं। पहला कारण तो सरकार को वो पैसा देती है काम करने के लिए। दूसरा कारण है कि जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन अपने मुनाफे के लिए काम करता है। बिजनेसमैन समाज सुधारक नहीं होता। उसे तो जितना मुनाफा मिल सकता है वो उतना मुनाफा लेगा मार्केट से, और जितना मुनाफा उसे मार्केट से मिलेगा वो अपने अकाउंट में इकट्ठा करेगा। एक एक स्पंज होता है ना, स्पंज को अगर आप पानी पे रख दो तो वो सारा पानी सोख लेता है। अब पैसे, जो मार्केट में जो पैसा है उसे आप पानी समझिए और बिजनेसमैन को स्पंज समझिए। अब मार्केट पे आप बिजनेसमैन रखोगे तो वो सारा पानी, सारा पैसा चूस लेगा मार्केट से। अभी अमेरिका के जितने भी बिजनेसमैन थे, उन्होंने अमेरिका से पैसा निकाल के चाइना में लगाया, हिंदुस्तान में लगाया और बाहरी मुल्कों में लगाया। ठीक है, अभी हिंदुस्तान में पैसा लगाएंगे तो हिंदुस्तान से पैसा निकाल कर किसी और मुल्क में लगाएंगे। वो किसी के सके थोड़ी हैं यार। अरे जो लोग अपने देश के सके नहीं हुए, वो तुम्हारे सके कहां से हो जाएंगे यार? उन टैक्स, जो टैक्स होता है, जितना टैक्स अमीरों पर ज्यादा लगता है ना, एक तो जिसकी जितनी आमदन, सीधी सी बात है यार, उसका टैक्स उतना ही ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात, ज्यादा टैक्स होने से अगर कोई बिजनेसमैन हेरा फेरी भी करता है तो देश को ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि सरकार टैक्स के रूप में उससे पैसा निकाल लेती है। और दूसरी बात, अगर जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन पर टैक्स कम होगा, उनके पास ज्यादा पैसा होगा, तो वो एक बिजनेस उनका चल ही रहा है, वो एक बिजनेस और खरीदेंगे, उससे मुनाफा कमाएंगे, एक और खरीदेंगे। इसे मोनोपोली कहते हैं। वो सारी बाजार में जितने बिजनेस हैं सभी बिजनेस खरीद लेंगे, और उससे क्या होगा, जो आम इंसान है ना, वो सारी उम्र गुलामी के लिए ही बचेगा। वो कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन उसे बड़ा बनने नहीं देंगे। वो सभी बिजनेस तो वो खरीद के बैठे हैं। वो अगर वो बिजनेस लोन लेके खरीद भी लेगा तो वो उसका बिजनेस बर्बाद करवा देंगे।
यही होता है यार, पूरी दुनिया में यही कहानी है। हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने खून बहाकर राजे महाराजाओं को खदेड़कर डेमोक्रेसी लाए थे। आज हमारी डेमोक्रेसी गिर के दोबारा उसी हालात में जा रही है, राजे महाराजाओं वालों में। जो पॉलिटिशियन है वो राजे महाराजे बन गए हैं, उन्हें ये उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उन्हें आम लोगों की आवाज़ तो उन्हें सुनाई ही नहीं देती। देश को देश अपने देश को अपने अपने देश को बेच रहे हैं। कोई प्राइवेटाइजेशन के तौर पे सभी विदेशी मुल्क बिके हुए हैं, हिंदुस्तान अभी बिक रहा है। FDI और हिंदुस्तान को बेचने का तरीका है। तो वो लोग तो वो तो बिक ही रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, वो जो बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े होते जा रहे हैं कि जो आम इंसान है वो, उसकी दुकानें तो बंद हो चुकी हैं। एक एक दुकान होती है दिल्ली दिल्ली, वो न्यू दिल्ली वाला दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली DELI, दिल्ली छोटी दुकान को, नुक्कड़ वाली दुकान जो होती है ना हमारे हिंदुस्तान में, जो नुक्कड़ वाली दुकान है उसे यहाँ पे दिल्ली बोलते हैं। वो जितनी दिल्ली थी वो सभी बंद हो रही हैं। जो दो चार बची हैं वो साल दो साल में बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनका मुनाफा डूब गया है। डूबा क्यों है? क्योंकि बड़े जो स्टोर हैं उन्होंने, बड़े करियाने की दुकानें तो बंद कर ही दी थी, अब छोटी दुकानें भी बंद करवा रहे हैं वो। और वो उससे उससे नतीजा क्या है? जो लोग अपने बिजनेस के मालिक थे, जिनकी एक छोटी सी दुकान पूरा परिवार पालती थी, वो खुद बेचारे नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। वो नौकरी करते हैं, थोड़ा सा पैसा मिलता है, जिनसे उनका परिवार तो क्या चले, अपना खुद का गुजारा मुश्किल से होता है। फिर उनके बच्चों को भी काम ढूंढना पड़ता है और बीवियों को भी काम ढूंढना पड़ता है। ये तो सच्चाई है यार, इस आज की डेट में पूरे पूरी पूरे पूरे विदेशी मुल्कों की। और इसी सच्चाई से मैं हिंदुस्तान को बचाना चाहता हूँ, और सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं बचाना चाहता, मैं तो विदेशों को भी बचाना चाहता हूँ यार। इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट ओबामा को वो चिट्ठी लिखी थी, ये बताने के लिए ये करना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि टैक्स टैक्स जो हैं वो अमीरों पे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि एक तो वो जो अमीर इकोनॉमी से पैसा निकालते हैं उससे सरकार दोबारा से उनसे निकाल कर इकोनॉमी लगाती है। कैसे लगाती है? सरकार के पास पैसा होगा तो वो सड़कें बनाएगी, सड़कें बनाने के लिए उसे मजदूर चाहिए, मजदूर रखेगी तो मजदूरों को तनख्वाह देगी। तो वो पैसा जो अमीरों के पास चला गया था वो टैक्स के रूप में सरकार ने लिया, और सरकार ने पगारों के रूप में गरीब में दिया, और गरीबों के जो मजदूरों को दिया, और मजदूरों की वजह से वो पैसा दोबारा से मार्केट में आ गया। वो टैक्स की पहली जरूरत है। और दूसरी जरूरत ये है कि टैक्स इतना होना चाहिए कि कोई भी बिजनेसमैन इतना बड़ा ना हो सके कि वो दूसरे लोगों की अपॉर्चुनिटी ही खत्म कर दे। ये सारे काम सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूं, लेकिन अकेला मैं क्या करूं यार। अकेला आदमी आज बोल रहा हूं, अभी मेरी आवाज बैठी हुई है क्योंकि ये तीसरा वीडियो है आज ही रात में जो बना रहा हूं, अभी आवाज बैठी है। कल को थक के मैं बैठ जाऊंगा, फिर क्या होगा? कोई कुछ नहीं करेगा, और तुम लोग भी ये वीडियो देख के भूल जाओगे। आज देख लिया, कल किसी से बात मत करना, किसी को बताना मत। मैं भी थक के एक दिन बैठ जाऊंगा, फिर तुम्हारी दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम लोग इसी लायक हो यार, अगर तुम मेरे इतना कहने पर भी कुछ नहीं करोगे, कुछ करने के लिए उठोगे नहीं, तो यार तुम लोग इसी सजा के लायक हो। अगर दम है, अपने सगे बाप की पैदाइश हो, तो विजयी वीर विशेष इंडिया पार्टी के साथ जुड़ो और मुझे मजबूत करो। दुनिया बदल के दिखाऊंगा आप लोगों को। जय हिंद।